120,000 के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश गैंग को दतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बस लूटने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दर्द पूछा। इस गैंग ने पिछले वर्ष डॉक्टर गुलशन के यहाँ डकैती डाली थी, उसके बाद थाना बड़ौनी क्षेत्र में महिला के गले से हार लूटा था। ये बस लूटने ही वाले थे कि कोतवाली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ग्वालियर हाईवे पर हाड़ा पहाड़ के पास ये गैंग बस लूटने की घटना के लिए रेकी कर रही थी, तभी दतिया पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर दो टीमों ने क्षेत्र की घेराबंदी की और 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि आरोपी अंतर्राज्यीय बदमाश हैं। बदमाश आकाश अहिवार के पास से पुलिस ने 315 बोर का कट्टा, 3 जिंदा कारतूस जब्त किए। दूसरा आरोपी अख्तर लक्षकार से 315 बोर का कट्टा और 3 जिंदा राउंड जब्त किए गए। तीसरा आरोपी मोनू, चौथा आरोपी उमेश परिहार और 5वां अजय कुशवाहा है। ये सब शातिर बदमाश हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि यदि पुलिस मात्र कुछ मिनट चूक जाती तो ये बस में डकैती की योजना को अंजाम दे देते। सभी आरोपियों पर पुलिस ने 130,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। कल ये एक बस को लूटने की फिराक में थे और इनका बस लूटने के बाद जो मेजर ऑपरेशन था वो ये था कि बस लूटने के बाद ये पैसे की व्यवस्था करें और उसके बाद अपने बड़ी गैंग को जो अन्य जिलों में है उसको एकत्रित कर यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। जिस दोनों प्रयासों में ये विफल हुए हैं, इसमें 5 आरोपियों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।